हे गाइस, तो आप लोग बीच साइड का ऐसा फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं अपने पिक्सआर्ट और लाइटरूम के अंदर, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, जिनका फोटो एडिटिंग कर रहा हूं उनका नाम है दीपक गुप्ता, तो आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और ये फोटो आप लोग पूरा देख लेना स्टार्टिंग से। तो ये फोटो मैंने पिक्सआर्ट के अंदर क्रॉप कर लिया था और हेयर मैंने फेस और ऑटोडेस्क के अंदर रिटच कर लिया था। तो यहाँ से 4x5 का हम लोग एम्प्टी बैकग्राउंड यूज करने वाले, तो इसकी डिटेलिंग मैं आप लोग को दिखा दूँ। 4000x5000 यानी कि 4x5 का बैकग्राउंड है। तो इसको जो मैं पिक्सआर्ट में यहाँ से शेयर करने वाला हूँ, और यहाँ से मैंने पिक्सआर्ट के अंदर शेयर कर लिया और यहाँ से चले जाएंगे हम लोग डायरेक्ट ड्रॉ टूल के अंदर। ड्रॉ टूल में जाने के बाद यहाँ से लेयर पैनल को हम लोग को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ से एम्प्टी लेयर लेके हम लोग ऐड फोटो कर लेंगे, और जो हम लोग ने फोटो क्रॉप किया था पिक्सआर्ट के अंदर ऑटोडेस्क के अंदर हम लोग ने जो टचअप कर लिया था वो फोटो यही था। तो हम लोग यहाँ से कुछ इस हिसाब से उसको फोटो को ट्रांसफॉर्म करके ले लेंगे जैसा आप लोग को चाहिए। तो ये बैकग्राउंड जो है हम लोग थोड़ा अलग लेने वाले, तो यहाँ से मैंने एक एम्प्टी लेयर ऐड किया है। फिर ऐड फोटो करने के बाद जो बैकग्राउंड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये बैकग्राउंड का मैं ये कोने का हिस्सा लेने वाला हूँ, तो मैंने 3:4 करके मैंने इसका क्रॉप करके लिया था। तो यहाँ से जो है मैंने पूरा आप लोग देख सकते हो कि इस हिसाब से मैं बिठा दे रहा हूँ ताकि मीन्स इसमें प्रॉपर लगे। तो इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ कुछ इस हिसाब से, मीन्स ज़्यादा थोड़ा नीचे भी नहीं होना चाहिए, ऊपर भी नहीं होना चाहिए। फिर और एक मैंने एक एम्प्टी लेयर लिया और ये जो बैकग्राउंड के साथ मैंने व्हाइट लेयर को मर्ज कर दिया था। फिर यहाँ से ऐड फोटो करने के बाद ये जो PNG है पत्थर का, ये आप लोग को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे बैकग्राउंड भी मिल जाएगा। तो ये जो है मैं थोड़ा इस हिसाब से बिठा ले रहा हूँ, मीन्स आप लोग देख सकते हो कि पैर उसने उठा के रखा था। तो ये मैंने फोटो क्रॉप किया जो था, तो उसके लिए मेरे को नीचे यहाँ पे एक PNG ऐड करनी पड़ी, जो पत्थर का मैंने PNG इसमें ऐड किया हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा और ट्रांसफॉर्म करके देखता हूँ कि मीन्स काफ़ी अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो ये आप लोग देख सकते हो कि फोटो जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जो नीचे का पोर्शन है उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे। तो मैंने और एक एम्प्टी लेयर नीचे ले लिया, फिर यहाँ से ऐड फोटो किया, और एक ये जो पत्थर का PNG है ये मैं थोड़ा और कोने की तरफ ऐसा ऐड करने वाला हूँ, ताकि मीन्स वो जो पत्थर है वो पूरा मतलब एक साथ ऐसा लगे कि मतलब लाइन से वैसे ही पत्थर है, और ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये PNG थोड़ा नकली टाइप का लग रहा है, तो हम लोग इसमें जो कलर टाइप का ना, जो ये पीछे का जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से हम लोग जो इसमें कलर टोन हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। तो अभी मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ, समझो कि अभी एकदम प्रॉपर लग रहा है। तो मॉडल को मैं डिलीट कर लेता हूँ, और जो PNG था वो PNG को मेरे को मर्ज करना पड़ेगा। तो पहले मैं एक पेंट सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो मैं आप लोग को दिखा दूँ पेंट कैसा सिलेक्ट करना है। तो ये जो नीचे की तरफ आप लोग देख रहे हो कि जो कलर पोर्शन यहाँ पे आप लोग एक पिन देख रहा है, आप लोग को पेन या आप लोग को पेन ले लेना है, कोई एक डार्क पोर्शन ले लेना है आप लोग को। तो ये डार्क पोर्शन लेने के बाद जो है आप लोग को साइज जो है इसकी साइज आप लोग को ऑब्वियसली बढ़ा लेनी है। तो आप लोग अगर ऐसे भी टाइप का अगर करोगे, मीन्स हल्का हल्का अगर पेंट करोगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हो कि मैं हल्का हल्का पेंट कर रहा हूँ, तो इसमें हल्का हल्का मीन्स कलर चढ़ रहा है, मतलब उतना टाइम लग रहा है। तो यहाँ से जो है उसकी ओपेसिटी जो है उसको मैं पूरा 100 कर लेता हूँ। अब आप लोग देख सकते हो कि कलर जो एकदम डार्क हो गई है, मीन्स ज़्यादा डार्क हो गई है। तो उसको खाली आप लोग को पेंट करते हुए चले जाना है, फिर इसको डार्क इन कर लेंगे। डार्क इन करने के बाद जो है उसकी ओपेसिटी आप लोग कम कर सकते हो। तो ये पत्थर जो है अपने बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाएगा, मतलब काफ़ी मतलब कॉम्बिनेशन में बैठेगा, और लगेगा नहीं कि ये हम लोग ने एक्स्ट्रा PNG कुछ ऐड किया है, और ये PNG अलग से मतलब लगेगा नहीं कि अलग कलर टोन का, मतलब आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ से जो मैं इसको कलर ऐड करते हुए चले जा रहा हूँ, और ये पूरे जितने PNGs थे मतलब मैंने जो पत्थर ऐड किया था उसको मैं यहाँ से सिंपली पेंट करते हुए चले जा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा बैकग्राउंड है नीचे का तो ये कलर उसके साथ कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए। तो आप लोग ब्लेंड करके दूसरा भी कुछ ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मैंने ट्राई करके देखा, मैं आप लोग को दिखा दूँ। जैसे कि मैं इसमें कुछ ट्राई कर रहा था, तो इसकी ऑपोसिटी मैं और थोड़ी कम कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो है मैंने ब्लेंड करके इसको ओवरले करके देखा, तो ओवरले भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, मीन्स आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट मैंने इसको डार्केन ही रखा है, क्योंकि मेरे को डार्केन इसमें अच्छा लगा, मतलब पहली बारी में। तो इसको मैं ओवरले नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ओवरले भी ट्राई कर सकते हो। तो मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ पहले, जितने भी सारे PNGs थे और जो मैंने ड्रॉ किया था, फिर इसको मैं डिस्कार्ड कर लेता हूँ। डिस्कार्ड करने के बाद यहाँ से मैं चले जाऊँगा इफेक्ट्स टूल में, क्योंकि यहाँ पे मेरे को इफेक्ट्स का काफ़ी काम है। तो इसमें यहाँ से हम लोग ब्लर टूल सेलेक्ट करने के बाद लेंस ब्लर ले लेंगे। लेंस ब्लर लेने के बाद जो है यहाँ से जो है इसकी लाइटनेस जो है उसकी लाइटनेस हम लोग कम कर देंगे। कम करने के बाद जो है ब्लर की जो रेडियस है उसको हम लोग थोड़ी बढ़ा लेंगे, और जो नीचे का पोर्शन है जैसे कि हम लोग इरेज करने वाले हैं तो हम लोग इसको इरेज कर देंगे। और ये जो PNG है इसका आप लोग को ध्यान रखना है कि ये पोर्शन ब्लर ना हो, और जो साइड का जो पीछे का जो बैकग्राउंड है आप लोग के आगे की तरफ ऊपर का, तो वो भी ब्लर ना हो। और जहाँ पे आप लोग ने ब्लर हटा दिया है तो वहाँ पे आप लोग मैन्युअली ब्लर कर लेना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो। तो ये ब्लर का आप लोग को ध्यान रखना है, मीन्स अगर आप लोग फोटो एडिटिंग कर रहे हो तो इसमें काफ़ी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा ये चीज़ का।
और जो ऊपर का पोर्शन है जहाँ पे अगर छूटा रहेगा तो वो पोर्शन भी आप लोग ब्लर कर लेना, मीन्स ब्रश वहाँ पे यूज कर लेना। फिर यहाँ से राइट करके वापस से चले जाते हैं हम लोग ड्रॉ टूल के अंदर, फिर लेयर पैनल से हम लोग ऐड फोटो कर लेंगे एम्प्टी लेयर लेके, और ये जो फोटो था वो फोटो हम लोग को वापस से बिठा लेना है, क्योंकि जो पिक्सआर्ट है उसमें ड्रॉ टूल में ब्लर का ऑप्शन नहीं है, इसके लिए हम लोग ने वहाँ से डिस्कार्ड करके लिया था। तो ये पैर मैं अभी बिठा लेता हूँ, और आप लोग जो मॉडल का जो राइट साइड का पैर है आप लोग देख सकते हो थोड़ा क्रॉप हो रहा है, बट चलेगा क्योंकि नीचे का जो पोर्शन है काफ़ी ब्लर है और कुछ पैर रखने का जगह नहीं है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा ऐसा क्रॉप कर दिए ताकि लगे नहीं, ठीक है। फिर और एक आप लोग को एम्प्टी लेयर ऐड करना है, फिर नीचे लेके आप लोग को ये पेंट कर लेना है, तो उसकी आप लोग ने साइज देख ली रहेगी, तो यहाँ से जो है ये साइज़ की ओपेसिटी मैंने इसको कम कर लिया है, 8% कर लिया, जो साइज़ है उसकी 40x ले ली है। तो यहाँ से जो है आप लोग को सिंपली लाइन खींचते हुए चले जाना है, क्योंकि वहाँ पे पैर रखा है तो भाई शेडो तो ऐड होना ही चाहिए, तो हम लोग शेडो ऐड कर रहे हैं यहाँ पे मैन्युअली कुछ, और थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ हल्का हल्का हम लोग पेंट कर लेंगे ताकि ऐसा लगेगा कि भाई ने पैर वहाँ पे सच्ची में रखा हुआ है। तो ये आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसको और एक हम लोग को एम्प्टी लेयर लेना है। एम्प्टी लेयर लेने के बाद जो है अपने जो शूज़ है, शूज़ देख सकते हो काफ़ी वाइट है और बैकग्राउंड जो है काफ़ी डार्क है, तो इतना वाइट होना नहीं चाहिए, तो इसको भी हम लोग पेंट कर लेते हैं, थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं, मीन्स थोड़ा डार्क हो जाएगा ये, मतलब इतना भी डार्क नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैंने बहुत सारा ज़्यादा डार्क कर दिया है, तो उसकी मैं ओपेसिटी थोड़ी कम कर लूँगा। तो पहले मैं इसको जो है पेंट करते हुए चले जाता हूँ, थोड़ा इसको डार्क कर लेता हूँ मैं, तभी यहाँ से मैंने डार्क कर लिया, और जो इसकी ओपेसिटी है उसकी ओपेसिटी मैं कम कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने 49% रख लिया है। और अभी इसको जितने भी सारे फ़ोटोज़ थे मैं नीचे से मर्ज कर ले रहा हूँ, और यहाँ से मैंने मर्ज कर लिया। फिर और एक एम्प्टी लेयर ले लेता हूँ, एम्प्टी लेयर लेने के बाद यहाँ से मैं ऐड फोटो कर लेता हूँ, और ये जो लेंस सन रिफ्लेक्ट की PNG है ये आप लोग को मिल जाएगी, फिर ये आप लोग को स्क्रीन कर लेना है, और ये जो एक साइड का जो हिस्सा है ये आप लोग को वहाँ पे जो है रख लेना है, ताकि ऐसा लगे मीन्स सूरज ढल रहा है और ये इवनिंग का सीन है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये PNG काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसको ओपेसिटी जो है इसको आप लोग को थोड़ा कम कर लेना है, कम करने के बाद यहाँ से मर्ज करने के बाद यहाँ से 3 डॉट से इमेज को सेव कर लेना है, और इसकी एक बार गैलरी में रिव्यू देख लेते हैं। तो ये फोटो आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छी बनी हुई है, और इसकी जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फोटो भी जो आया था मेरे पास ये काफ़ी मतलब शेडो वाला था, तो इसको मैं जो है लाइट रूम में कलर ग्रेड करने वाला हूँ। तो यहाँ से लाइट रूम में हम लोग चले जाते, तो गाइज हम लोग आ गए लाइट रूम के अंदर। तो इसमें आप लोग कुछ मैनुअल भी एडिट कर सकते हो, ऑटो इफेक्ट चढ़ा सकते हो, ऑटो इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अदरवाइज मैं एक प्रीसेट आप लोग को इसमें देने वाला हूँ, ये क्या उत्कर्ष देशमुख की तरफ से एक जो प्रीसेट है वो भी अच्छे खासे एडिटर है, तो वो उसका जो प्रीसेट है आप लोग को प्रीसेट मिल जाएगा योगेंद्र चौहान का। तो यहाँ से आप लोग को जस्ट सिंपली 3 डॉट से कॉपी सेटिंग कर लेना है, और अपने फोटो पे जस्ट 3 डॉट से यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो ये फोटो आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा चढ़ गया। फिर आप लोग इसमें वापस अगर ऑटो इफेक्ट चढ़ा दोगे तो इसकी जो कॉन्ट्रास्ट है वो कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो जाएगी। फिर बाद में आप लोग कुछ मैनुअल अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज हम लोग इमेज को सेव कर देते हैं, और इसमें काफ़ी सारी अच्छी इफेक्ट है। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आओगी, अगर वीडियो समझ में आओगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।